नमस्कार। बहुत से जने कहते हैं कि सर आलोचना से कैसे निपटे, कोई हमारी क्रिटिसाइज करता है उससे कैसे निपटे। जब हमारी कोई आलोचना करता है ना तो मन अंदर ही अंदर कुंठा से भर जाता है, मन में हीन भावना आती है और मन एकदम अलग अलग सा रहता है कि लोगों ने हमारी आलोचना क्यों की। बल्कि हम तो किसी कार्य के प्रति 100% मेहनत करते हैं और 100% उस कार्य को देते हैं, फिर भी लोग आलोचना करते हैं, फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आपको कोई आलोचना कर रहा है ना, सबसे पहले यह बात अपने दिमाग में, आलोचना क्रिटिसाइज किसकी होती? जो कोई कार्य करता है उसका क्रिटिसाइज होता है, उसकी आलोचना होती है। आप अपनी लाइफ में कोई काम करोगे ही नहीं तो आपकी आलोचना कैसे होगी, आपकी क्रिटिसाइज कैसे होगी? तो ध्यान रखना कि जो इंसान कार्य करता है उसका क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना अवश्य होगी, चाहे वो राजा हो या चाहे वो रंक हो या चाहे वो भगवान हो, आलोचना सबकी होगी। अभी मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। इसलिए ये तो अपने दिमाग से निकाल दे कि आलोचना क्यों होती है। आलोचना तो आपकी होगी, सत्य सनातन होगी। इस बात को आप एक्सेप्ट कर ले कि मैं कोई कुछ कार्य कर रहा हूं, कुछ नया कार्य कर रहा हूं या कोई पुराना कार्य कर रहा हूं तो भी मेरी आलोचना होगी। अब आलोचना क्या होता है, 25% लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो हमेशा आपके विरोध में रहेंगे, वो हमेशा आपकी क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ भी कर लो आप, भले आप अपने कार्य को 110% परफेक्ट रूप में करो, दूसरों की नजर में उस कार्य में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो 25% आपके विरोधी होंगे ना, आपके वर्क में, आपके कार्य में कुछ ना कुछ तो गलती निकाल लेंगे। इसलिए मान के चलो कि इस दुनिया में 25% तो मेरे विरोधी होंगे, मेरी आलोचना करेंगे किसी भी कंडीशन में, यह मान के चलो, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है। और 25% लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में आपके साथ रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आपने चाहे कैसा भी कार्य किया हो, चाहे फिर भी गलत किया हो, लेकिन आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपको कहेंगे सुधार करो, आगे बढ़ो, आपकी नेगेटिव रूप पे आलोचना नहीं करेंगे। 25% ऐसे लोग होंगे जो एनी टाइम, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन विथ यू, आपके साथ हमेशा रहेंगे। और 50% लोग ऐसे होते हैं ना कि कंडीशन देख के आपके साथ जुड़ेंगे और कंडीशन देख के आपके साथ में छोड़ देंगे। 50% इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा सिचुएशन देखकर, कंडीशन देखकर लोगों के साथ में जुड़ते हैं। वो लोग हमेशा हवा के साथ चलते हैं, जिधर हवा जाती है वो भी चलते हैं, हवा विपरीत है तो वो भी विपरीत है, हवा अनुकूल है तो वो भी अनुकूल है। 50% लोग ये होते हैं। तो 100% लोगों में मान के चले कि 25% हमेशा आपका विरोध करेंगे, 25% हमेशा आपका सपोर्ट बनाएंगे और 50% लोग हवा के अनुसार चलेंगे। आपकी अच्छाई होगी, आपकी वाहवाही होगी तो आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपकी बुराई होगी तो आपके बुरे में खड़े रहेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आलोचना, क्या सचिन की आलोचना नहीं हुई? क्रिकेट के भगवान कहलाए, फिर भी कितनी आलोचना हुई, उन्होंने हमेशा अपने बल्ले से जवाब दिया। विराट कोहली, अभी हाल ही में कितनी आलोचना हुई, कितनी आलोचना हुई, कितनी क्रिटिसाइज हुई, यहां तक कि उन्हें टीम से निकालने की बात हुई। विराट कोहली के अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, ताबड़तोड़ पारी खेली और हीरो बन गए। तो आलोचना तो किसी की भी होगी, आप कुछ भी कर लो, आप भगवान हो, फिर भी आलोचना होगी। भगवान श्री राम की आलोचना होती है कि उन्होंने बाली को धोखे से मारा, भगवान कृष्ण को छलिया कहते हैं, महाभारत में जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने छलिया छल किया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की भी आलोचना होती है। तो फिर आप क्या हो, क्या आपकी आलोचना नहीं हो सकती? हो सकती है। रतन टाटा नैनो कार जब बनाई थी तब असफल हुई तो रतन टाटा की खूब आलोचना हुई। आलोचना से कभी मत घबराना, कुछ लोग होंगे जो हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, फिर भी आपको आगे बढ़ना होगा, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो। और आलोचना भी ध्यान रखना दो तरह की होती, एक तो नेगेटिव आलोचना, एक पॉजिटिव आलोचना। आप लोगों से आलोचना भी टू टाइप, बिल्कुल, जो नेगेटिव लोग होंगे ना वो नेगेटिव तरीके से आपकी आलोचना करेंगे, वो ऐसा शो करेंगे कि आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप हमेशा गलती करते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप मतलब आपको डीमोटिवेट करेंगे। जो नेगेटिव आलोचना होती है ना करने वाले होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करेंगे।
हर कंडीशन, हर सिचुएशन में आपको मतलब नेगेटिव आलोचना करेंगे, आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके हितेशी होंगे, जो आपके 25% सपोर्टर वाले लोग होंगे ना, वो आपकी हमेशा पॉजिटिव आलोचना करेंगे। वो आपको हमेशा कहेंगे यार ये कार्य किया, इसमें ये गलती है, ये सुधार करो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। वो ये नहीं कहेंगे यार तुम जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ सकते, वो कहेंगे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, बस ये गलती सुधार। ये पॉजिटिव आलोचना, ये लोग हैं ना जो आप पॉजिटिव आलोचना करते हैं, वो आपके सपोर्टर होते हैं और वो हमेशा आपकी गलती निकालते हैं लेकिन आपको पॉजिटिव रूप में बताते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लाइफ में जब भी आलोचना हो तो घबराना मत, सोचना कि जब भगवान की आलोचना हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। आलोचना हो, आलोचना पर ध्यान न दो और पॉजिटिव आलोचना को अपनाओ और जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, उसको दूर करो और जीवन में आगे बढ़ो। जब आप सफलता की राह पे होगे, वही आलोचना करने वाले लोग, वही लोग आपकी जय जय करने लगेंगे। इसलिए जीवन में, लाइफ में ध्यान रखना, आलोचना तो होती रहती है, आलोचना से कभी घबराना मत, क्रिटिसाइज से कभी घबराना मत।